वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना संकट के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के एम्स में आज यानी कि 24 जुलाई को कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण या फिर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। यह वैक्सीन पूरी तरह से भारत में निर्मित है। तो आइए जानते हैं कि शख्स को दी गई स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की डोज, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे बनाई गई ये वैक्सीन। दरअसल एम्स में आज से भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। इसका पहला डोज एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दिया गया है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन का डोज देने के बाद 2 घंटे तक इस शख्स को एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। इसके बाद उसे घर भेज दिया गया, लेकिन अगले 7 दिनों तक ये शख्स डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रहेगा। खबरों की माने तो एम्स में शनिवार से कोरोना वायरस की वैक्सीन का परीक्षण शुरू होना था, लेकिन उसे आज से ही शुरू कर दिया गया है। ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स की जांच के बाद ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि आज 7 लोगों पर यह ट्रायल किया जाएगा। आपको बता दें कि ICMR ने फेज 1 और फेज 2 के लिए जिन 12 सेंटर्स का चयन किया है, उनमें से दिल्ली का एम्स भी शामिल है। कोवैक्सीन वैक्सीन का पहले चरण में 375 वॉलंटियर्स पर ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली के एम्स में सबसे ज्यादा 100 लोगों पर ट्रायल होगा। ये ट्रायल 18 से 55 साल की उम्र के लोगों पर होगा जो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। वहीं दूसरे चरण में सभी 12 सेंटर्स में करीब 750 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। इस चरण में शामिल लोगों की उम्र 12 से 65 वर्ष के बीच होगी। बताया गया कि ह्यूमन ट्रायल के लिए जरूरी है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो। इसके लिए उसकी पूरी जांच की जाती है। इसमें कोरोना वायरस, एंटीबॉडीज और अन्य सभी जांच शामिल हैं। जांच रिपोर्ट सही आने के बाद ही व्यक्ति को परीक्षण के लिए मान्य माना जाता है। इसके अलावा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, लीवर, हार्ट फंक्शन सहित लगभग 50 तरह के पैरामीटर्स की जांच की जाती है। इस वजह से जांच रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है। इस जांच में खरा उतरने वाले लोगों को ही कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल में शामिल किया जाएगा। वैक्सीन की डोज देने के 2 से 4 घंटे तक कोई दुष्प्रभाव नहीं मिलने पर उसे घर भेज दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स निगरानी रखेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने दावा किया है कि ICMR और NIV के साथ मिलकर उसने COVID-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। ऐसे में अगर ये ह्यूमन ट्रायल सफल हो जाते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। तो इस रिपोर्ट में हमने बताया कि कैसे भारत में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है और इसकी पहली डोज भी दी जा चुकी है। आपकी इस बारे में क्या है राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया और कोरोना से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।